हाँ हाँ सुन रही हूँ, थोड़ा हटिए ना। देखो देखो रुकिए सब लगा लो। है एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा बाहर टपरी मारने निकले हैं, इन शॉर्ट घूमने निकले हुए हैं। तो अभी आपने देखा कि कितना अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन हुआ है स्कूल में। होपफुली बेटे का एडमिशन हम लोग उसी स्कूल में करवाने का सोच रहे हैं, बट अभी हुआ नहीं है। तो हम लोग ने ऐसे ही एक चक्कर लिया, बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। बहुत लोग कैंडल वगैरह भी जला रहे हैं, बट हम लोग तो भाई सनातनी हिंदू है तो हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। बट हाँ, मैंने डेकोरेशन थोड़ा कैप्चर किया क्योंकि अच्छा लग रहा था। और अभी चलते हैं ऐसे ही आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा जाम है यहाँ पे। 25 दिसंबर की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है इस रोड में, मतलब आजकल सब जगह, आज सब जगह रोड में भीड़ है। तो देखते हैं क्या क्या खाते हैं और क्या क्या घूमते हैं हम लोग। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। लोग आ गए हैं ज्ञान भवन, हमेशा की तरह यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो बस देखते हैं कुछ पसंद आ जाएगा तो लिया जाएगा। चलिए कुछ नहीं छूटा है क्रिसमस की वजह से, सब जगह आए हुए हैं लोग, यहाँ भी भीड़ है। ओ माय गॉड, इतना जाम में कहाँ से निकलेगा आदमी। हम लोगों ने गाड़ी लगा के पैदल ही निकल लिया है, बगल में जाना था तो हम लोग बोले इसका रिक्शा सब हम लोग नहीं लेंगे। ज़्यादा भीड़ है और इतना ज़्यादा जाम लगा है कि हम लोगों ने कहीं भी जाना स्किप कर दिया। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि बगल में एक नया मॉल खुला है, मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि अभी उस समय बन रहा था, बट अभी बन चुका है। तो हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, काफ़ी बड़ा बनाया है, बट इतना ज़्यादा जाम है, इतनी ज़्यादा लोग हैं कि मतलब भीड़ की वजह से गाड़ी कहीं जा नहीं सकती। तो लास्टली हम लोगों ने सोचा कि अब गाड़ी को ज्ञान भवन के पास पार्किंग में हम लोगों ने लगा दिया है, और यहाँ पे बगल में पटना में गांधी मैदान में लगा है। बस वही आ गए हैं और यहाँ पे रोज के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखा दूँगी, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बस लोग ही लोग दिखेंगे। तो आपको ये सेक्शन नहीं दिखाया था पिछले बार मेला में, यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ सोफ़ा लगे हुए हैं, सोफ़ा सेट से वैरायटी ऑफ सोफ़ा देखिए आप। तो आप यहाँ पे पलंग, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, तो आप यहाँ से उसकी भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए आप दूर तक पूरा एकदम फिलहाल हम लोग सोफ़ास पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, चल चल के थक चुके हैं। और यहाँ पे लाइट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और काफ़ी अच्छे मतलब रेट में दे रहा है। तो
आप लोग ले सकते हैं। तुम बैठो ना चुपचाप। फेवरेट आइसक्रीम कॉर्नेटो वेनिला बटर स्कॉच फ्लेवर खाते और एंजॉय करते हैं। ये लस्सी पी रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, कल मैं इस ब्लॉग का एंडिंग नहीं दे पाई थी तो मैंने सोचा कि अच्छे से आपको ब्लॉग का एंडिंग देती हूँ। कल सरस मेला में इंडियन आइडल से कुछ सिंगर्स आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था और कोविड की वजह से मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया। मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे अकेले चेयर पे बैठी हुई थी एक भैया से चेयर लेके शॉप वाले से, तो मैंने बस थोड़ा सा जो रिकॉर्ड किया वो किया। मैंने सोचा कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं कोविड है, आप लोगों को थोड़ा भी दवाई मतलब जानलेवा साबित कर सकता है, तो इसलिए मैंने वो सब ध्यान रख के ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। बस थोड़ा सा वही जो मैंने रिकॉर्ड किया है उतना ही देखा। मैं देख रही थी कि और भीड़ बढ़ने लगी है तो मैंने सोचा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई निकल लो यहाँ से। और मैंने भी मास्क लगाया था, मैं जब सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों से बात कर रही थी तो मैं मास्क निकाल दे रही थी। तो प्लीज़ सेफ रहिए, क्योंकि कोविड का सिचुएशन फिर से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइटली ना लीजिए। अगर आप लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो ले लीजिए, और जिन लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ जाके करवाइए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इससे बिल्कुल भी मत डरिए। मैंने ऑलरेडी ले लिया है और देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ आप लोगों के सामने। तो इसी एक अच्छी सोच की सोच से हम लोग इस ब्लॉग का एंडिंग लेते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हंसते रहिए, खुश रहिए और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आने वाला है। ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पूरा साल ख़त्म होगा तो हम लोगों का तो नया साल किसी और दिन पड़ता है, बट हाँ अगर ये साल ख़त्म होने की बात हो तो ये साल ख़त्म हो रहा है तो ऑफकोर्स नया साल एक आ ही रहा है। तो सेफ रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए, बस कोविड से बचिए, यही आज का इस वीडियो का स्लोग है। और मैं इसी से इस वीडियो को एंड देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।